बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया। उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया। हाँ, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने तमाम समर्थकों से मुलाकात करने निकल जाते हैं। जब भी उन्हें मौका मिलता है तो रथ पर सवार होकर पटना या आसपास के जगहों पर सैर करने निकलते हैं। कल यानी कि 15 अगस्त को जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था तो लालू प्रसाद यादव शाम होते ही 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी आवास से रथ पर सवार होकर इनकम टैक्स चौराहा पहुँचे और वहाँ फल मंडी जाकर लालू प्रसाद यादव ने फल खरीदा। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि ये फल मंडी हम ही ने लगवाया है, लोग यहाँ से इन लोगों को उजाड़ना चाह रहे थे लेकिन हमने यहाँ पर ये जगह दिया और हमने कहा कि आप लोग यहाँ पर फल मंडी लगाइए और आज हम देखने चले आए हैं। इन लोगों की बड़ी शिकायत रहती है कि इन लोगों का फल बिक्री नहीं हो पाता, तो आज हम जब आए हैं तो कई सारे लोगों ने इनका फल खरीदा है, हमने भी खरीदा और आसपास के कई सारे लोग आए और यहाँ पर इन लोगों का फल खरीदा है। इन लोगों के पीछे बहुत सारे लोग लग गए थे, हमने ही इन्हें यहाँ पर बसवाया है। और इसके बाद जब इन लोगों को उजाड़ने की कोशिश की गई तो तेजस्वी यादव ने यहाँ से इन लोगों को हटने नहीं दिया, यहीं पर इन लोगों की फल मंडी फिर से लगवाई। लालू प्रसाद यादव अक्सर अपने समर्थकों से मुलाकात करते हैं, अपने पुराने अंदाज में भी नज़र आते हैं और कल जब पूरा देश आज़ादी का महोत्सव मना रहा था, पटना में हर तरफ जश्न का माहौल था, तो उस वक्त तो लालू प्रसाद यादव विधायक अबू दोजाना के साथ रथ पर सवार होकर इनकम टैक्स चौराहा के पास जो फल मंडी है वहां पहुंचे और अबू दोजाना उतरकर फल भी खरीदने लगे। लालू प्रसाद यादव के लिए फल खरीदी उन्होंने और उसके बाद लालू प्रसाद यादव के वहां मौजूद समर्थक लालू से मुलाकात करने के लिए बड़े बेचैन हो गए। फल मंडी में मौजूद जितने दुकानदार थे वो भी लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करना चाह रहे थे और उन लोगों ने भी लालू से मुलाकात की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव क्या कुछ कहे हैं पहले आप सुनिए। सर, फल लेने के लिए निकले बड़े दिनों बाद, आज़ादी की शाम। आज़ादी के शाम में बाजार निकले हैं तो बाजार में जो दुकानदार लोग हैं आशा रखते हैं कि हमारा कुछ बिक्री हो, तो कुछ बिक्री करा दिया जी और फल ले लिया। सब्जी और फल दोनों महंगे हो गए, आप हमेशा से आवाज उठाते रहे, भिंडी का दाम बताते रहे हैं। हाँ, सब्जी तो आ ही जाता है वहाँ, वो सब हम उद्योग कर लेते हैं। चलिए, बीमार। ये फल मंडी आप ही के द्वारा बसाया गया था सर और यहाँ के लोगों का खूब प्यार है, अक्सर कहा करते हैं, आपका जिक्र करते हैं, लालू जी ने हमें रोजगार दिया, दुकान खुलवाई। उजाड़ रहा था, उजाड़ने नहीं दिया। हाँ, बीच में टूटने की बारी आई तो आपके बेटे तेजस्वी ने इन लोगों को बचाया था। चलिए, आपने देखा कि साफ तौर पर लालू प्रसाद यादव फल मंडी गए, वहां उन्होंने फल खरीदा और उसके बाद अपने समर्थकों से मुलाकात भी की। इस दौरान लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मैं अक्सर अपने लोगों से मुलाकात करता हूं, समर्थकों से मुलाकात करता हूं और ये फल मंडी मैंने ही लगवाई है, मैं यहां पर इसलिए आया हूं ताकि इन लोगों का फल बिक सके। ये लोग बड़े परेशान रहते हैं, इन लोगों का फल बिक नहीं पाता, तो आज जब मैं आया हूं तो मैंने भी फल खरीदी और आसपास के कई सारे लोगों ने इनका फल खरीदा है और अब इनकी फल बिक्री बहुत ज़्यादा ही होगी। इन लोगों को यहां से उजाड़ने की तमाम कोशिशें की गई लेकिन मैंने इन लोगों को ये जगह दिया है, यहाँ पर ये लोग फल लगाएंगे और आराम से फल बेचेंगे। लालू प्रसाद यादव को अक्सर कभी मरीन ड्राइव के आसपास देखा जाता है, कभी वो आइसक्रीम खाते हैं और कल लालू प्रसाद यादव इनकम टैक्स चौराहा के पास वाले फल मंडी गए और वहाँ उन्होंने फल खरीदी है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे, लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ?
अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।